आज हम तीनों दोस्त वापस से एक नए ट्रिप पे निकल चुके हैं और ट्रिप काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है, काफ़ी तगड़े इंटरेस्टिंग और काफ़ी नेचुरल व्यू साथ होने वाली है आज की ट्रिप। तो गाइस बिल्कुल भी इसकी मत करना आज के लोग को, क्योंकि काफ़ी रैंडम लोकेशन है और काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है ना, और प्राचीन लोकेशन है। तो और ना रोड पूरा कच्चा रोड है, बिल्कुल ऑफ राइडिंग वाला रोड हो रहा है। तो एक बार मैं आपको रोड का व्यू दिखाता हूँ। देखो इस प्रकार का कुछ रोड है और एक्टिवा है हमारे पास और तीनों दोस्त निकल चुके हैं एक्टिवा लेकर। तो ये है हमारा मटू, ये है विकास और ये आपका भाई आशीष, जानते ही आपको मुझे तो ये है जब तो गाइस अभी यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीते हैं है ना, फिर उसके बाद करेंगे अपना सफर जारी, क्योंकि भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़े पानी वानी पी लेते हैं चलते हैं। तो गाइस यहाँ तो कोई है ही नहीं, पूरी टापरी पूरी सुन पड़ी हुई है भाई ये तो है ना, तो अभी चलते हैं यार, कुछ भी नहीं है और सामने पानी का जुगाड़ ये है देसी तरीके का एकदम। चलो यार पानी पीते हैं, मेरे को राजस्थानी अंदाज में एकदम देसी कांटा आपके साथ। तो गाइस अभी अपनी एंट्री हो चुकी है कमलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर और आपको यहाँ पे ना हर टाइम 12 महीने ऐसे मेला लगा हुआ दिखता है और बाहर कुंड है, वहाँ पे पहले आपको नहा के आना पड़ता है, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं है ना। अंदर भी कुंड है उसमें भी नहाना है आपको, बाहर कुंड उसमें भी नहाना है, उसके बाद आप दर्शन कर पाएंगे भगवान के बम बम बोले के। तो चलते हैं गाइस अभी। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें इंतजार था काफ़ी देर से कि कब वो लोकेशन आएगी, कब अपनी जगह आएगी, कब अपनी मंजिल आएगी, ताकि अपन चल के वहाँ पे अपन नहा सकें। और काफ़ी मस्त व्यू हो रहा है भाई, क्योंकि ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा व्यू होने वाला है। तभी एक बार मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है ना, तो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको क्या है यहाँ पे क्या नहीं है यहाँ का व्यू। तो गाइस मैं आपको ना तो बता देता हूँ मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं आया हूँ कमलेश्वर महादेव जो है इंद्रगढ़ में है, सुमेला मंडी की तरफ इस जगह है मंदिर। तो काफ़ी मस्त व्यू है। तो गाइस एक कुंड तो ये है अंदर की तरफ वाला कुंड, तो पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है तो आपको तैरना नहीं आता तो फालतू की रिस्क ना लें। और यहाँ पे स्नान करने के बाद आप अंदर दर्शन करने जाएंगे। तो गैस फाइनली अपन चलते हैं अभी नीचे की तरफ कुंड की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको कुंड का व्यू। और गैस मैं आपको इस कुंड की एक राज वाली बात बताता हूँ कि ये है कमलेश्वर महादेव मतलब एक शंकर भगवान का स्थान, जहाँ पर जिन लोगों को ऊपरी जो निम्न समस्या होती है कि डाकन भूत चुड़ैल जो भी कोई लग जाता है, तो कोई लोग कहते हैं ना कि उनको कुंवर जी नहीं लाओ वहाँ पर ये सब चीज़ें दूर हो जाती है। तो गैस यहाँ पर रियल में भी उन सब चीज़ों का भी इलाज होता है और माओ सर 14 के दिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना गैस कि आपको पैर रखने जगह नहीं मिलती। अभी तो क्या है ऑक्सीजन पे अपन आए हुए हैं इसलिए खाली पड़ा हुआ है। तो गैस फाइनली आपको मैंने व्यू दिखा दिया है और अपनी बारी है नहाने की, तो अपन नहाते हैं करते हैं और मैं आपको कुंड का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी मस्त कुंड है और ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चेहरा पर दिखाते हैं। आप खंडित मूर्ति जिन्हें भी रहती है आपके घर की टूटी वूटी वो सब यहाँ पर रख के जा सकते हो ताकि वो ठंडी हो सके। देखो यहाँ पे मूर्ति रख रखी है लोगों ने। देखो मट्टू ना रहा है हमारा कालू है पागल, ये विकास है भाई। देखो नहाने की नहीं हिम्मत नहीं हो रही, अभी तो मूड बना रहे हैं भाई ना। उधर काका जी नहा के तैयार हो चुके हैं कंप्लीट, देखो हमारे बाद में आए थे वो नहा लिए पहले ना। और अभी अपन भी चलते हैं कपड़े वपड़े खोलते हैं भाई देवनारायण जी का मंदिर। फाइनली अभी चलते हैं अपन भी कपड़े वपड़े खोलते हैं और चलते हैं नहाने का आनंद उठाते हैं है ना, देखते हैं कितना ठंडा पानी है क्या है भाई है ना। तो बहुत दिनों बाद आके नहाने वाले हैं यहाँ पर, तो अभी कपड़े वपड़े खोलते हैं फटाफट से और दिखाता हूँ मैं आपको व्यू है ना। तो देखो विकास वगैरह नहाने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और फाइनली अपनी बारी है तो अपन भी कपड़े वपड़े खोल के चलते हैं भाई सीधा। आ जाओ कार मेरा डुबकी लगा रहा है, अरे डुबकी लगा रहा हूँ वापस कट जाऊँ। आ जा यार पाँव नीचे टकरा थे यार बाहर, तुम यहाँ बैठे लगा लेना
तो वैसे अभी नहाने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि अपन को तैरना आता नहीं है, तो अपन बाहर यहाँ पे बैठ के नहा रहे हैं। और अभी यहाँ पर मट्टू नहा रहा है भाई, देखो मट्टू, देखो गाइस इसको मैं तैरना आता नहीं, इसको तैरना आता लेकिन जाने रहा अंदर जानबूझ के भाई। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ठंडा पानी है और मज़ा आ रहा है क्योंकि ना गर्मी जब पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ठंडे पानी में रहने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ना मौसम देखो कितना ठंडा हो रहा है, देखो मौसम देखो कितना ठंडा हो रहा है ना। तो एक बार अंदर चल के आते हैं कितना ऊंडा है कितना नहीं, उसको चेक करके आते हैं क्योंकि चेन लगा रही है सब जगह, तो सबसे अच्छी बात है, तो इसलिए कोई डरने वाली कोई बात नहीं। तो चलते हैं गाइस अंदर। तो गाइस इस कुंड के काफ़ी सारे राज है, इसके अंदर ये भी कहा जाता है अगर आप इस कुंड में नहाते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या है, दाद खाद खुजली लगी तो सब चीज़ें दूर हो जाती है क्योंकि ये शंकर भगवान का स्थान है, यहाँ पर काफ़ी सारे राज छुपे हुए हैं गाइस, और यहाँ पे ऊपरी चीज़ों का भी इलाज होता है आपको पता ही है। गाइस फाइनली नहाना धोना हो चुका है मस्त वाला, और यहाँ पर ना ये सीन है कि पहले आपको कुंड में नहाना पड़ता है, तीन कुंड है, तीनों में आपको स्नान करने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर जाना है दर्शन वगैरह करने, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है ना। तो अभी चलते हैं और दर्शन वगैरह करके आते हैं है ना। तो अभी देखो हमारा कल्लू, देखो कल्लू विकास, तो अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और अभी आपको कराते हैं दर्शन, तो चलते हैं गाइस मेन मंदिर के अंदर अभी। तो गाइस अपन लेते हैं यहाँ से फूल माला और प्रसाद ताकि अपन को अंदर चढ़ाने के लिए, और फिर चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। तो गाइस ये है मुख्य मेन दरवाज़ा, तो यहाँ से एंट्री करते हैं अभी है ना ऊपर मेन मंदिर में जाने के लिए, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन काफ़ी प्राचीन मंदिर है तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चमत्कार भी है। तो मैं दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का, देखो मेन व्यू देखो गाइस, इस प्रकार का व्यू आता है ऊपर से, देखो ये कुछ प्रकार व्यू है, और अपन नहा रहते हैं उस कुंड में वहाँ पे, इधर आपको सारी दुकानें मिल जाती है ना। तो देखो भाई ऐसे काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मैं आपको यहाँ का दर्शन कराता हूँ, देखो यहाँ पे भी चील उड़ रही है ना, देखो भाई अंदर आपको दर्शन, पहले यहाँ पे अंदर जाने की अनुमति थी अब बंद कर दिए, यहाँ तो देखो गाइस बम बम बोले नमो पार्वती सुते हर हर महादेव। तो गए दर्शन कर लो, अब हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो गैस आप मंदिर की बनावट देख के समझ सकते हैं कि ना प्राचीन मंदिर है और कितना ज़्यादा पुराना मंदिर होगा ये। देखो गैस एक कालू क्या गाने गा रहा है, हल्की सी डाडी लगा, अबे डाडी तेरा आवा कोटा डगसु, देखो गाइस क्या व्यू है यार भाई, देखो हर महादेव नमो पार होते सुते भाई, देखो तो गैस आप डिजाइन देख के पता कर सकते हैं कितनी प्राचीन तरीके की कला करती है ना। और देखो ये कालू हमारा फोटो खिंचाने के तैयार है, स्क्रीन शॉट लेना बेटा ठीक है, वीडियो में आ गया तू,
देखो गाइस कितनी प्राचीन मूर्ति है। देखो आपको यहाँ की एक पेंटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, कितनी प्राचीन चीज प्राचीन बनी हुई है भाई, देखो कितनी प्राचीन है ना, देखो ठेठ ऊपर तक बनी हुई है ठेठ प्राचीन। और देखो गाइस एक मैं आपको प्राचीन तरह की मूर्ति दिखाता हूँ ये वाली, देखो गाइस कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये। और इसको आप सही नज़र से भी देख सकते हैं और गलत नज़र से भी देख सकते हैं, दोनों नज़र से आप देख सकते हैं क्योंकि आपने देख ही लिया होगा किस तरह की बनी हुई है मूर्ति उस हिसाब से। तो गाइस जो ये पुराने तरह की जो मूर्तियाँ बनी हुई है इन्हों को देखकर आप उल्टा ना समझें, क्योंकि ये ना जो पुराना अपना इतिहास था उसको दोहराते हैं भाई, इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी क्या नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे अच्छे भी है बुरे भी हैं और सब कुछ जानवर सब कुछ बने हुए हैं है ना, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी उल्टा ना सोचें अपने दिमाग में है ना। तो और भी पता नहीं गाइस, कुछ और भी रीज़न हो सकता है क्या इसका इतिहास है क्या नहीं है, वो अपने पता भी नहीं है। तो गाइस जो आपको ये वाला मंदिर दिख रहा है, ये जो आपने आगे मंदिर देखा है उससे भी प्राचीन मंदिर है, और इसके अंदर ना एक शिवलिंग है जो कहा जाता है अगर उस शिवलिंग को अगर आप पूरी बाहों में बल लेते हैं तो आपके हर मनोकामना को पूरी की जाती है, ऐसा सुना गया है गाइस। तो मैं बता रहा हूँ आपको है ना, तो आज हम भी ट्राई करेंगे और अंदर आपको चल के दिखाता हूँ मैं वो शिवलिंग, विशाल शिवलिंग है गाइस, कोई छोटा मोटा शिवलिंग नहीं है, काफ़ी विशाल है ना। तो भी आपको मैं दिखाता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है आगे चल के। तो वैसे ये वाली जो मूर्ति है इसको कहा जाता है कि यहाँ पर आप पूरी इसके भाग बन लेते हैं तो आपके हर मनोकामना पूरी कर दी जाती है ना। तो अभी अपन भी इसको भाग करके देखते हैं, चले ये भैया भाग करके देख रहे हैं अभी यहाँ क्या भाग कर रहा है मैं। तो वैसे कैमरा मैन आ गया आ गया आ गया, हाथ दिखाइए उन्होंने हाथ दिखाइए, देखो इस तरीके से आपके पूरे हाथ आना चाहिए, ये देखो हाथ अड़ नहीं रहे इसके। तो गैस अब मैं ट्राई करते हैं, तो गैस अभी अपन ट्राई करके देखते हैं अपन पूरे बात में पाते हैं कि नहीं पाते क्या रहता है। देखो गैस तो गैस अपन ये पूरी बात नहीं बन पाए क्योंकि बात बनना बहुत मुश्किल है गैस। तो गैस आधा प्रश्न आ गई। तो गाइस अब मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे जो पीछे की जो लोकेशन है वहाँ का व्यू काफ़ी रैंडम व्यू है भाई, देखो आप चेक इट गाइस, सारा नेचर के बीच में है भाई, बीचा बीच में मंदिर बना हुआ है तो काफ़ी नेचुरल नेचर लुक है यहाँ का। तो गाइस ये था आज का हमारा दिन, कैसे अपन ने पूरा दिन किया, पहले अपन नहाने गए थे वहाँ पोपोट हो गया, उसके बाद अपन दूसरे मंदिर में आए तो यहाँ पे अपन अच्छे से एंजॉय किया है ना। और अभी बारिश का मौसम भी हो चुका है तो अभी अपन, और टाइम बहुत जा रहा है तो अभी अपन बिना किसी समय देवी करते हुए, और सबसे देखो ऐसे यहाँ पे पुलिस चौकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हर जगह अच्छी बात है पुलिस चौकी है यहाँ पे ताकि कुछ भी दिक्कत हो तो फट से आप कंप्लेंट कर सको। और गाइस इसके साथ ही अपन अभी सीधा चलते हैं घर पे और देखते हैं क्या बना है क्या नहीं बना आज घर पे खाने को लिए, क्योंकि भाई भूख लगने लगी है अब क्योंकि कुछ भी नहीं खाया आपको पता ही है, बस चाय पानी पीती वहाँ थड़ी पे रुक के, उसके बाद अपन सीधा आ गए थे, काफ़ी देर नहाया वहाँ पे तो भूख कैसे बढ़ रही है भाई। और अभी सूज वगैरह पहनते हैं अपने, देखो अपने महाराज भाई तो पहन चुके हैं सूज, तो अपन भी अपने प्रॉपर सूज वगैरह पहनते हैं और करते हैं गाइस। मतलब गाइस आपको एक ये दिखाना भूल गया था मैं, यहाँ पे थूनी है मतलब सारी दीपक मालाएं सब कुछ, और जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल जो भी आता है वो सब यहाँ पे निकाले जाते हैं, जितने भी ऊपरी आत्मा जो रहती है वो सब यहाँ पे निकाले जाती है। देखो इस प्रकार कुछ व्यू है यहाँ पे, देखो भाई देखो गाइस ये यहाँ पे त्रिशूल वगैरह दे रखे थे पंडित जी के द्वारा, यहाँ पे जितने भी ऊपरी आत्मा रहती है चीज़ें रहती है जो भी लोगों के वो यहाँ से निकाली जाती है, ये सीन है यहाँ का। तो गाइस अभी चलते हैं चप्पल उधर पहनते हैं और निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस इस ब्लॉग करते हैं आप ही खत्म, एंड आप लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में सब्सक्राइब करना, मिलता है नए ब्लॉग के साथ। गाइस बाय बाय स्टार्ट, हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, घर के लिए निकलने वाले हैं बाप। तो देखो भाई चलते हैं।